और अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां पर आनर किलिंग का मामला सामने आया। चाचा ने ही हत्या कर खुद को किया पुलिस के हवाले। पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। सूचना प्राप्त हुई लगभग 3:45 मतलब पिसावा पे कि एक महिला है, गांव की लड़की है, संतरा नाम है उसकी, लगभग 20 साल से ऊपर है, उसकी अनर किलिंग की गई है। उसके सगे चाचा श्यामू सिंह ने उसकी गला देकर हत्या कर दी है। मौके पे हमारे SHO, हमारे CO, मैं, हमारे SSC महोदय मौके पे आए और यहाँ जानकारी ये हुई कि ये लड़की जो है ये इसी गांव की मूल निवासी है। इसके फादर गाजियाबाद में रहते हैं। ये लड़की इसी गांव में रहती थी, बहुत ही गरीब लोग हैं ये। इसी गांव का पहले से मैरिड रूपचंद मौर्य, इसकी लगभग 35 साल है, उससे इसके प्रेम संबंध हो गए थे। रूपचंद मौर्य की शादी पहले हो गई है, उसकी 2 बेटियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रेम संबंध लड़की से थे। प्रेम संबंध की जानकारी होने पे जो लड़की का चाचा श्यामू सिंह, इसको गाजियाबाद इसके पापा के पास भेज दिया और लगभग 1.5 महीने पहले रूपचंद मौर्य गाजियाबाद जाके इसको अपने साथ लेके चला गया था और गाजियाबाद में कहीं इसके इसमें मिसिंग लिखी हुई है। रूपचंद मौर्य और इस अंशिका ने जा करके कोर्ट मैरिज कर लिया दिल्ली या गाजियाबाद में कहीं पर, और अभी लगभग 1 महीने पहले चुपके से गाँव में आकर रहने लगे थे अपनी पुत्र पत्नी के साथ में रह करके। कल संभवतः गांव में जानकारी हुई कि ये लड़की जो गई थी यहां से वो गांव में लौट के आ गई है, और इस बात को लेके गांव वालों ने उसका चाचा उसको टॉन्ट किया, ताना मारा इसको। आज जानकारी ये हुई कि उसका चाचा श्यामू सिंह था, वो इसके घर पे गया, इसको खींच के अपने साथ ले आया और मेट सड़क पर इसको बड़ासे से गला काट के इसकी हत्या कर दी। और जैसे ही हमारी पूरी पुलिस टीम, हमारे SSP महोदय यहाँ पर आई, जानकारी ये हुई कि इसका सगा चाचा जो श्यामू सिंह ने इसकी हत्या की थी वो तत्काल थाने पर अपनी साइकिल से पहुंच गया, जिसके हाथ में आला कत्ल गणासा भी था। उसने बताया कि चूंकि ये घटना ऐसे गांव हुई थी, मैंने अनर किलिंग कर दी है और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मैं आला कत्ल के जो अभियुक्त था वो थाने पहुंच गया है और उसकी गिरफ्तारी हम लोग अभी करेंगे पूछताछ करके। फिलहाल डेड बॉडी यहाँ पे है, हमारी फॉरेंसिक यूनिट यहाँ पे आ रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई करके इसमें हम लोग जो आरोपी हैं हम लोग गिरफ्तार करेंगे और जो भी और इसमें मुलविस है सम्मिलित खिलाफ भी, और हम लोग विधिक कार्रवाई करके सबको जेल भेजेंगे। थैंक यू सर।